देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग, जब भी आप लोगों को किसी एग्जाम के बारे में जानना है या किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आया हुआ है, किसी एग्जाम के बारे में कोई अपडेट आई हुई है, तो उसकी मेन वेबसाइट पर हमेशा जाया करिएगा। जैसे मान लीजिएगा आप लोगों को UPPCS के बारे में जानना है, MPPSC के बारे में जानना है, या फिर आप देखिए सिविल सर्विस के बारे में जानना है। जैसे आपको बता दूं कि आप सभी, आपको मालूम होगा UPPCS का आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, और एडमिट कार्ड आ चुका है तो आप लोग किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, और भी UPPCS से जुड़ी हुई कोई अपडेट आती है तो उसे आप लोग कहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कोई भी आपको ब्राउजर खोल लेना है, उस पर आप लोग UPPCS क्या करेंगे, सर्च करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे UPPCS, आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ये क्या होगा कि एक मैन पेज आ जाएगा उसका। जैसे आप देखिए, देखिए जैसे ही आप लोग ऊपर आपको साइट दिखाई दे रही होगी तो इसी पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप देखिए कि आपकी जो भी नई जानकारी है उसके संबंध में यहाँ दिया गया है। तो देखिए नोटिस रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, तो आप लोग इस पर क्लिक करिएगा, और जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन खुल जाएगा। देखिए कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, और आप देखेंगे कि ये 8 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। तो आप सभी को मालूम है कि ये आपका 24 अक्टूबर को आपकी प्रीलिम्स होना है, और इसके 13 जनपदों में क्या है, एग्जाम सेंटर है। इसमें आगरा देखेंगे, अलीगढ़ देखेंगे, बस्ती देखेंगे, बुलंदशहर, इटावा, गाजीपुर, हरदोई के बाद आप देखेंगे ज्योतिबा फूले नगर, महाराजगंज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, वाराणसी, सीतापुर, मिर्ज़ापुर, मथुरा, इन केंद्रों पर आपकी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो देखिए इसके बारे में पढ़ लिया करिएगा, और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ आपको एडमिट कार्ड दिखाई देगा। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे इस पर तो आपके सामने एक इस तरह का पेज आ जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ आप लोगों को कैंडिडेट यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन डालेंगे नंबर, उसके बाद आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर वही जिस समय आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा उस समय आपको मिला होगा, और इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ आप लोग जिस तारीख को आपका जन्मदिन होता है, जिस महीने में आपका जन्म हुआ था और जिस साल में आपका जन्म हुआ था। फिर आप देखेंगे जेंडर, यहाँ आप देखेंगे यहाँ आप लोगों को मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर क्या डालना है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ देखिए इंटर वेरिफिकेशन कोड, यहाँ आप लोगों को एक कोड डाल देना है जो भी आपके सामने कोड आए, और उसके बाद आप देख सकते हैं डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, आपका आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। देखिए कभी भी कोई भी आती है इस तरह की जानकारी तो मुझे लगता है कि कई साइटों पर भटकने से अच्छा है कि उस परीक्षा की मेन साइट पर आप लोग जाइए, एक भरोसे वाली भी जानकारी मिल जाएगी और सही जानकारी भी मिल जाएगी जो हकीकत होगी। और आप देखिए सबसे पहले कोई भी अपडेट आती है तो इस UPPCS की मेन साइट पर ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह आप लोग कर लिया करिएगा। अगर UPSC के बारे में जानना है तो उसकी मेन साइट पर, या किसी स्टेट PCS के बारे में जानना है तो उसकी मेन साइट पर आप जाया करिएगा, या फिर आप लोगों को SSC के बारे में जानना है तो SSC की मेन साइट पर जाइए आप लोग, वहाँ जो भी तुरंत अपडेट होती है वहाँ भी अपडेट कर दी जाती है, वहाँ से आसानी से आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है।